दोस्तों आज मैं आपको अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन जी से मिलवाने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम उनसे पूछेंगे और ये मैं गिव अवे करने वाला हूँ। इसको जीतना बहुत ही आसान है, तीन सिंपल स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर दो। दोस्तों क्या है कि अमेजोन इको डिवाइस हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं एलेक्सा के साथ। अब हम बात कर सकते हैं अमेजोन इको डिवाइस में अमित जी के साथ भी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप ये कर सकते हैं। अमित जी क्या हाल चाल है आपका? इधर तो सब ठीक ठाक है और आशा है कि आप भी खैरियत से हैं। इस तरह से आप बात कर सकते हैं अमित जी से, जो भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अमित जी व्हाट कैन यू डू व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग और इन लाइफ? टाइमिंग इज द नेम ऑफ द गेम। इफ यू फील द सेम जस्ट आस्क मी टू सेट अ टाइमर। चलो थोड़ा फन करते हैं अमित जी, टंग ट्विस्टर बताइए। तो चलिए फिर हो जाए एक चटपटा टंग ट्विस्टर। सुनिए, चार कचरी कच्चे चाचा, चार कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। चार कचरी कच्चे चाचा कच्ची, बड़ा कंफ्यूजनिंग है यार। आप बताओ मुझे कमेंट्स में क्या आपको समझ आया। अमित जी एक और टंग ट्विस्टर बताएं। कच्ची रोटी खाके बच्ची रोती, बच्ची रोती खाके कच्ची रोटी। कच्ची रोटी खाके बच्ची रोती, बच्ची रोटी खाके कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खाके बच्ची रोती, बच्ची रोटी खाके कच्ची रोटी। ये तो मुझे इजी लगा, आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट्स में। अमित जी कितने आदमी थे? कितने आदमी? ये तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, सांबा से पूछना पड़ेगा। पॉइंट है इसमें बात में भी। अमित जी कोई मूवी का डायलॉग सुना दो। ये एक छोटा सा डायलॉग है फिल्म खुददार का, कि मैं आज भी गिरी हुई चीज उठाया नहीं करता। ये डायलॉग बहुत हिट हुआ था अमित जी का। अमित जी कविता सुनाइए। अच्छा सुनाता हूँ एक कविता, बारिश की बूंदों पर जो चंचलता से भरी होती हैं। एक छोटी बूंद बारिश की गिर के भरती दरारों को, देती चमक पहाड़ों को, धोकर पेड़ों के पत्ते सूखे, रोशन करती नजारों को। एक छोटी बूंद बारिश की। मस्त। वैसे कविता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जरा जोक सुनते हैं अमित जी से। अमित जी जोक सुना दो। एक बार एक बच्चे से टीचर ने उसका फेवरेट एक्शन एक्टर पूछा। तो बच्चा बोला आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो टीचर ने कहा इसकी स्पेलिंग बताओ। पर क्या है ना, बच्चा बड़ा स्मार्ट था, उसने बोला तुरंत टीचर अब मुझे ब्रूस ली पसंद है। अमित जी What is your favorite song? My favorite song? Well, music has been a favorite of mine for a very long time and it's a favorite for most of us. But if you ask me what my most favorite song is, it would be very difficult to choose one. But I've always liked the one from Guru Dutt Ji's film, Kagaz Ke Phool, called Waqt Ne Kiya Kya Hansi Sitam, Tum Rahe Na Tum, Hum Rahe Na Hum. Amit Ji, aaj Delhi ka mausam kaisa hai? आज मौसम देखिए कुछ इस तरह है। अभी दिल्ली भारत में आंधी के साथ तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आज अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री के साथ हल्की धूप खिली रहने और आंधी आने की संभावना है। अमित जी आपका फेवरेट कलर क्या है? अच्छा मेरा जो फेवरेट रंग है वो है सफेद, व्हाइट, श्वेत। अमित जी आपकी हॉबीज क्या है? तो अगर आप पूछेंगे मुझसे कि हमारी हॉबीज क्या हैं, तो देखिए अब बचपन से लेकर के आज तक बहुत सारी हॉबीज जो हैं वो बदलती रहती हैं। बचपन में स्टैंप कलेक्टिंग होता था, स्टैंप अलग अलग देशों के, उनको कलेक्ट करना, कैसे उन्हें प्राप्त करना, उनको एक किताब में चिपका के रखना और बड़ी गर्व के साथ जाकर के अपने दोस्तों को कहना अरे मुझे आज इस देश का स्टैंप मिला और ये मिला और वो मिला। फिर धीरे धीरे वो आदतें बदलती जाती हैं कि और कुछ चीजें कलेक्ट करने का मन करता है और ये आदतें ये हॉबीज जो हैं ये बदलती जाती हैं। कभी कभार बाबूजी की किताबें पढ़ ली, पियानो है जो अपने आप बजता है उसको ले करके कुछ धुन बजा लेते हैं और यही हॉबीज रह गई हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ा आएगा आपको अमित जी से बात करने में। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मूवी का डायलॉग, जोक्स, टंग ट्विस्टर। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा रहा अमित जी के साथ। और अमित जी को एक्टिवेट करना अपने अमेज़न इको डिवाइस पे बहुत ही आसान है। बस आपको बोलना है एलेक्सा इंट्रोड्यूस मी टू अमिताभ बच्चन, फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी वो आपको फॉलो करते जाना है। आपके 149 रुपीज़ माइनस होंगे आपके अमेज़न पे अकाउंट या फिर यूपीआई से आपको पेमेंट करनी होगी इसके लिए।
वन ईयर की यहाँ पर चार्जेस हैं 149 रुपीज़ अमित जी से बात करने के लिए। अमित जी फिर हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन और इस तरह से आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूँ एक जुगलबंदी जो कि एलेक्सा के साथ मैंने गाई है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ उससे और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगी। तो ये देखते हैं। अब एक बार अमित जी के बचपन के बारे में कुछ पूछते हैं। अमित जी, टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। A story from childhood. Look, there are any number of stories about my childhood. Like when I was about 2 or 3 years old, I got horned by a bull. I was playing in a field with some friends and there was a bull that came and it horned me and made a hole in my head. So many times when I tell my friends, you know, when I'm talking nonsense, that's the reason, because there's a hole in my head. But anyway, this was an injury and it healed and everything was okay. अब पता करते हैं अमित जी को खाने में क्या पसंद है। अमित जी, tell me about your favorite food. Perhaps you should know that I'm a vegetarian. It's not a vegetarian in the strict sense of the word. I used to eat meat and everything, but just suddenly one day I decided I wanted to remain a vegetarian. It's got nothing to do with health or with any other customs or rituals. It's just that I felt I'm happy eating vegetarian food. I'm a very simple eater. I eat Indian vegetarian food. You know, roti, dal, bhindi, aloo, that stuff. तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप अमेज़ॉन इको डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप भी अमित जी को अपने घर पर इनवाइट कीजिए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना कैसे आपको एक्टिवेट करना है अमित जी को अमेज़ॉन इको डिवाइस पे, और कहाँ से आप इको डिवाइस बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, जो भी लिंक्स हैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, चेक करना मत भूलिएगा। बाकी एक्सपीरियंस आपको कमाल का होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।